कैसे आप सब आज हम बना रहे हैं बची हुई सीजनिंग्स वाली मैगी। इसके लिए चाहिए हमें ये सारी चीज़ें। ये रहा बटर, बटर में मैं डाल रही हूँ मिर्च, ये डाला मैंने गार्लिक, और बची हुई सारी गार्लिक आप डाल दें। थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दें, इसमें हम डाल रहे हैं ये सारी डाल दें आप, ऑरिगैनो, ऑरिगैनो सीजनिंग बची हुई जो हमारे पास जमा है आप सारी डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक सीजनिंग का पैकेट यूज़ किया है और एक चिली फ्लेक्स का, तो चिली फ्लेक्स आप अपने हिसाब से देख लो, वैसे चिली हो तो ज़्यादा बेटर है। ये बन गया हमारा मिक्सचर बटर वाला, इसमें सारे हर्ब्स हैं। कढ़ाई को गर्म कर लें, हाई फ्लेम पे रखें कढ़ाई को। इसमें हम हल्का सा तेल डालेंगे, तेल इसलिए क्योंकि हमारा बटर नहीं जलेगा। और तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर, ये हमने डिवाइड कर लिया पोर्शन। एक पोर्शन में हम अपनी नूडल्स को फ्राई करेंगे और एक में हमने सब्जियां फ्राई करेंगे। ये डाल दिया हमने बटर, अब बटर को थोड़ा सा पकाएंगे ताकि उसमें जो गार्लिक है और सारे हर्ब्स हैं उनका फ्लेवर अरोमा अच्छे से निकल के आए। हल्की देर 2 मिनट तक आप इसे फ्राई करें। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए, उसमें से खुशबू आने लगे आपको, तो आप इसमें डालें अपने नूडल्स। हाँ, जिस करछी से आप चलाते हैं उसी को अपने नूडल्स में भी डालें, वो एक स्ट्रॉ ऑयल एब्जॉर्ब करेगी और खिली खिली बनेगी। देखिए, ये डाल दिया हमने नूडल्स, अच्छे से इसे टॉस करें इस बटर में, बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ना, ये नूडल्स आप ऐसे भी खा सकते हो। देखो कितना अच्छा कलर आया, ऐसे खा के देखो, ऐसे भी मज़ा ही आ जाएगा इसे खा के। अब फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। तेल डाला हमने, वो बची हुई मिक्स्ड हर्ब्स वाली बटर डाल दी है। इसमें मैं सब्जियां डाल रही हूँ, मैंने यूज़ किया है मिर्च, गाजर, थोड़ा सा बीन्स एंड स्प्रिंग अनियन थे मेरे पास, तो मैंने वो भी डाल दिया। तो आपके पास जो भी सब्जी आप डाल सकते हो, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा, कमाल। तो इस हर्ब्स वाली बटर का है। चलो अब ये सारी सब्जियाँ डाल दी, इसे हल्का सा टॉस कर लो, हल्का सा फ्राई कर लो, ज़्यादा मत करना क्योंकि चाउमीन मैगी में हमें थोड़े से क्रंची वेजिटेबल्स पसंद है ना, बस हल्का सा ताकि ग्लेज आ जाए। और ये हमारा आ गया ग्लेज, देखो क्या अच्छा कलर आया है ये हमारी सब्जियों का। इसे हम निकाल लिया, हमने नूडल्स को निकाला, उसके ऊपर हमने अपनी सब्जियाँ डाल दी है। अब जो भी सीजनिंग आपके पास बची है, जितना आपको पसंद है, ऑरिगैनो सीजनिंग है जो भी है, वो डाल दो आप इसके ऊपर। अच्छे से डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल दो, थोड़े से गार्निश के लिए धनिया पत्ती, स्प्रिंग अनियंस यूज़ किया है हमने। खा के देखो, इस ठंड के मौसम में मज़ा ही आ जाएगा एकदम। बटरी चिली गार्लिक मैगी, ये बची हुई जो बटर वाली है, बटर है ना, इसे ज़रूर यूज़ करना, इसकी सीजनिंग में ही सारा फ्लेवर है। और इसे अच्छे से ड्रिजल करो अपने नूडल्स के ऊपर। तो जी, बन गई हमारी बची हुई टॉपिंग वाली मैगी।